नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नर्सिंग कैरियर क्लब के डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है स्टूल एग्जामिनेशन। इस चैप्टर के अंदर हम निम्नलिखित पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है कंपोजिशन, थर्ड है फिजिकल एग्जामिनेशन, फोर्थ है केमिकल एग्जामिनेशन एंड फिफ्थ है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। स्टूल एनालिसिस पाचन तंत्र को प्रभावित करने वाली कुछ स्थितियों का निदान करने में मदद करने के लिए एक स्टूल सैंपल पर किए गए परीक्षणों की एक श्रृंखला है। इनकी स्थितियों में जैसे परजीवी, वायरस, जीवाणु, पुअर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन या कैंसर शामिल हो सकते हैं। स्टूल एनालिसिस के लिए एक स्टूल का सैंपल एक साफ कंटेनर में एकत्र किया जाता है और फिर प्रयोगशाला में भेजा जाता है। लैबोरेटरी एनालिसिस में सूक्ष्म परीक्षण, रासायनिक परीक्षण और माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण शामिल होते हैं। रंग, कंसिस्टेंसी, अमाउंट, शेप, गंध और म्यूकस की उपस्थिति के लिए स्टूल की जांच की जाती है। स्टूल की जांच रिड्यूसिंग सब्सटेंस जैसे हिडन ब्लड, वसा, मास फाइबर, पित्त, व्हाइट ब्लड सेल्स और शुगर के लिए की जाती है। स्टूल का पीएच भी मापा जा सकता है। यदि बैक्टीरिया का संक्रमण हुआ है तो इसका पता लगाने के लिए स्टूल कल्चर किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। स्टूल वाटर, प्रोटीन, अनडाइजेस्टेड फैट्स, पॉलीसेकेराइड, जीवाणु, बायोमास, ऐश और अपचित भोजन अवशेषों से बना होता है। स्टूल के प्रतिशत के रूप में स्टूल में प्रमुख तत्व ऑक्सीजन 74%, हाइड्रोजन 10%, कार्बन 5%, नाइट्रोजन 0.7% होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्टूल में वाटर फ्रैक्शन के रूप में शामिल होते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। फीसेस आर कंपोज्ड ऑफ, इसका ए ऑप्शन है वाटर, बी है प्रोटीन, सी है फैट्स, डी है ऑल ऑफ अबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ अबव, यानी वाटर, प्रोटीन और फैट्स। इसे हम रेफरेंस स्लाइड नंबर 6 पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी क्वांटिटी या मात्रा के बारे में। आम तौर पर 100 से 200 ग्राम पर डे। बहुत से विकार इन लोगों में भी लार्ज बल्कि स्टूल का कारण बनते हैं जो बहुत कुछ नहीं खाते हैं, जैसे माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम और कार्बोहाइड्रेट्स इनडाइजेशन। आपके स्टूल का आकार आप कितना खाते हैं और कितना पचाते हैं उससे अधिक होता है। कुछ प्रकार के खाद्य पदार्थ लार्ज स्टूल को प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वे पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं होते हैं। कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी पुअर फूड ब्रेकडाउन और एब्जॉर्प्शन का कारण बनते हैं जो लार्ज और बल्कि स्टूल का नेतृत्व करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कलर के बारे में। इसमें एक टेबल बताई गई है जिसमें फर्स्ट कॉलम में स्टूल का कलर और सेकंड में कॉजेस कि किस कारण से स्टूल का कलर ऐसा होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ब्राउन, डार्क ब्राउन और येलो ब्राउन के बारे में। सामान्य रंग पित्त वर्णक के ऑक्सीकरण के कारण होता है। सेकंड है ग्रे कलर, ये चॉकलेट या कोको के अंतर्ग्रहण के कारण होता है। हरा रंग पालक और क्लोरोफिल सब्जियों केलामेल के एडमिनिस्ट्रेशन के कारण होता है। काला कलर आयरन या बिस्मित अंतर्ग्रहण ऊपरी जीआई पथ के रक्तस्राव के कारण होता है। बहुत गहरा भूरा रंग जैसे कि हाई डाइट के रूप में मीट को ग्रहण करते हैं। लाल रंग बीट्स में उच्च आहार, हरा पालक में उच्च आहार। मल पर खून की धारियां, बवासीर, रक्तस्राव, अल्सरेटिव घाव या कार्सिनोमा के कारण गूदा से रक्तस्राव। अब हम बात करते हैं एड्योर या उसकी गंध के बारे में। अस्वच्छ प्रोटीन के कारण और कार्बोहाइड्रेट्स के अत्यधिक सेवन से दुर्गंध पैदा होती है। स्टूल की गंध इंडोल और स्काटोल के कारण होती है जो बैक्टीरिया फर्मिनेशन और प्यूटरफैक्शन द्वारा बनते हैं। एक खराब गंध जो अनडाइजेस्टेड लैक्टोज और फैटी एसिड द्वारा तेज गंध उत्पन्न होती है। प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण गंध बढ़ जाती है। दुर्गंधित गंध मैलिग्नेंसी या गैग्रिन पेचिस के गंभीर दस्त के कारण होती है। अब हम बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में। फर्स्ट नॉर्मल, सॉफ्ट और फ्रॉन्ड होता है।
सेकंड लूजली फॉर्म्ड स्टूल, थर्ड वाटरली स्टूल, फोर्थ थिन स्टूल, फिफ्थ पिलेट लाइक स्टूल, सिक्स कब्ज रोगियों में पाए जाने वाला ड्राई या हार्ड स्टूल, सेवन्थ पुट्टी जैसा स्टूल, एट्थ स्मॉल राउंड हार्ड स्टूल हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन के दौरान होता है। अब हम आगे बढ़ने से पहले एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। वेरी डार्क ब्राउन कलर ऑफ स्टूल शो, इसका ए ऑप्शन है डाइट हाई इन मीट, बी है डाइट हाई इन सैलड्स, सी है माल न्यूट्रिशन, डी है नन ऑफ देम। इसका सही आंसर है ए डाइट हाई इन मीट। इसे हम रेफरेंस स्लाइड नंबर 9 पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पीएच या केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में। आमतौर पर मल थोड़ा अम्लीय या क्षारीय या न्यूट्रल होता है। आहार के आधार पर पीएच 7.0 से 7.5 होता है। नवजात पीएच 5.0 से 7.5 होता है। मल का पीएच छोटी आंत में आहार और बैक्टीरियल फर्मिनेशन पर निर्भर करता है। कार्बोहाइड्रेट्स पीएच को अम्लीय में बदल देता है, जबकि प्रोटीन का टूटना क्षारीय में बदल जाता है। स्तनपान करने वाले शिशु के पीएच में थोड़ा अम्लीय मल होता है। बोतल से पोषित शिशुओं में थोड़ा क्षारीय मल होता है। पीएच स्टूल टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स और वसा के कुपोषण का मूल्यांकन करने में मदद करता है। पीएच स्टूल डीसैकेराइड्स की कमी को भी जानने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में। ल्यूकोसाइट की उपस्थिति सामान्य रूप से कोई WBC नहीं होता है। WBC केवल संक्रमण या सूजन में दिखाई देते हैं। दस्त या पेचिस के मामले में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। ग्रेटर 3 WBC उच्च क्षेत्र अल्सरेटिव कोलाइटिस और बैक्टीरियल संक्रमण में देखे जाते हैं। WBC की अधिक संख्या में आक्रामक रोगजनकों का संकेत मिलता है। वायरस और परजीवी मल में WBC का कारण नहीं बनते हैं। मल में WBC की संख्या में वृद्धि। अब हम बात करते हैं बैसिलेरिया डायसेंट्री के बारे में। क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस, सिंगलोसिस, साल्मोनल संक्रमण कुछ WBC को अमीबियस में देखा जाता है। इसके अलावा WBC टाइफाइड में देखा जाता है। WBC की अनुपस्थिति में कुछ को समान रूप से देखा गया है, जैसे हेजा, वायरल दस्त, दवा से प्रेरित दस्त। मल में लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति। मल में रक्त हो सकता है। निचले GI पथ में रक्तस्राव से ब्राइट रेड रंग में मैरून, ऊपरी GI पथ से रक्तस्राव से काला और टेरी रक्त का आना, नग्न आँखों को दिखाई नहीं देना। मल में रक्त के क्या क्या कारण हो सकते हैं? फर्स्ट है बवासीर, दूसरा है कैंसर और थर्ड है पेचिस। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि जब ब्लड स्टूल में उपस्थित होता है तब स्टूल कैसा दिखाई देता है। तो ये लेफ्ट साइड में जो स्टूल में ब्लड की पोजीशन दिखाई है, ये ब्लड म्यूकस इन लूज और लिक्विड स्टूल, ये हाईली सजेस्टिव ऑफ अमीबिया अल्सरेशन के कारण है। और जो राइट साइड में स्टूल में रेड ब्राइट रेड कलर दिखाया गया है, वो मोस्टली साइन ऑफ ब्लीडिंग हेमोराइड्स के कारण है। और जो नीचे की साइड में पेचेस ऑफ म्यूकस ब्लड टिंग्ड है, वो केयरफुल व लुक फॉर अमीबा के कारण है। आगे बढ़ने से पहले हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉजेज ऑफ ब्लड इन स्टूल, फर्स्ट है इसका ए ऑप्शन है कैंसर, बी है इंडाइजेशन, सी है माल न्यूट्रिशन, डी है हाई डाइट इन मीट। इसका सही आंसर है ए कैंसर। इसे हम रेफरेंस स्लाइड नंबर 16 पर देख सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, और हाँ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।